hello everyone i hope you all are fine and welcome to my youtube channel trending Isles. my today's cue card is describe a time you made a promise to someone ek kaise time ko explain karo jab aapne kisi se koi promise kiya ho. and the bullet points are whom did you make the promise to kisko apne promise kiya what the promise was Konsa promise tha

हम वी मेक प्रामिसज टू अदर्स हम दूसरों को प्रामिस करते हैं वैन वी वॉन्ट टू जब हम उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि किसी भी पॉसिबल तरीके में हम अपने वर्ड्स को फुलफिल करेंगे आई यूजली डोंट प्रामिस टू माई किन माई कितन एंड किन मीन्स रेलेटिवस एंड फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को प्रॉमिस नहीं करता बिकॉज समटाइम्स इट बी कम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव क्योंकि कई बार उस प्रोमिस uh, को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बट वंस आई प्रोमिस्ड टू माई फादर दैट आई स्टिल रिमेंबर मगर एक बार मैंने प्रोमिस किया अपने फादर को जो मुझे अभी भी याद है ऑल दो टू अकम्पलिश डैट थिंक वॉज एन आउटवर्स टास्क फॉर मी आउट टास्क मी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी चाहे उसको अकम्पलिश करना फुलफिल करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था यट आई ट्राइड अ लॉट एंड एट लास्ट आई अचीव्ड इट फिर मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और एट लास्ट मैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर सका

ऑफ होल माई डे ऑन मोबाइल फ़ोन इसके अलावा अपने स्कूल के बाद मैं ज़्यादातर अपने पूरा दिन जो है वो मोबाइल फ़ोन पर ही स्पेंड करता था एंड द थर्ड बुलेट पॉइंट इज वाई यू मेड द प्रोमिस क्यों आपने प्रामिस किया आई मेड द प्रोमिस टू माई फादर बिकॉज माई मदर वॉज फैडअप बाई माई बिहेवियर फॉर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ हर मैंने अपने फ़ादर को प्रॉमिस किया क्योंकि मेरी मदर जो थी वो फेडअप हो चुकी थी मेरे बिहेवियर के साथ क्योंकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था at the same time i got low marks in pre board exams that's why my teacher complained about it to my father iske mere kam marks pre board exams mein teacher ne mere father ko complain ki moreover this activity also put bad impact ऑन माई हेल्थ इसके अलावा इस एक्टिविटी ने कौन सी एक्टिविटी यूजिंग द मोबाइल फ़ोन फॉर एम्पल ऑफ टाइम इस एक्टिविटी ने काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पर डाला एंड आई बिकेम अ काउच पर टाटो इट इज़ अडियम विच मीन्स अ लेज़ी एंड एक्टिव पर्सन मैं काफ़ी लेजी और इनएक्टिव पर्सन बन गया नोटिसिंग ऑल दीज थिंग्स माई फादर डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम विद मी इन सभी थिंग्स को नोटिस करते हुए मेरे फादर ने यह प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस एंड आई अंडरस्टूड माई फॉल्ट एंड मेड अप माई माइंड टू स्टॉप डूइंग दिस मेड अप माई माइंड इज अगेन एन अडियम विच मीन्स डिसाइड टू डू समथिंग तो मैंने अपने फॉल्ट को अपनी प्रॉब्लम को समझा और अपने मैंने अपना माइंड बनाया कि इस चीज़ को करना मैं स्टॉप कर दूँगा आई श्योड माई फादर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ही Will never face this kind of issue from my side. I father ko father laya ki aage unko meri se is issue nahi ko And the last one bullet point is was the promise easy to achieve? Frankly saying it was hard not to crack. Hard not to crack It is an idiom which means a difficult situation to deal with. As I was addicted to it. अगर मैं वैसे ही बात करूँ फ्रेंकली बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए अडिक्टेड हो चुका था इसकी मुझको आदत लग गई थी इन द स्टार्टिंग वन आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम यूजिंग द फ़ोन आई गेव इट टू माई मदर एंड टोल्ड टू नॉट कीव इट टू मी ऑल दो आई रिक्वेस्ट फॉर इट स्टार्टिंग में वैन आई कुडेंट कंट्रोल जब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका फ्राम यूजिंग द मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए आई गिव इट टू माई मदर मैंने अब मोबाइल फ़ोन मदर को दे दिया और उनको कहा कि मुझको इसको वापस ना करें ऑल दो आई रिक्वेस्ट और फॉर इट चाहे मैं रिक्वेस्ट ही क्यों ना करूँ

अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल किया my father was over the moon which means extremely happy Mere father kafi jada khush ho kushogai when he saw a remarkable change in me jab unho ne dekha, kafi change aaya mere mein. so it was a time when i made a promise to my father so yahi time tha jab maine apne father ke promise kiya. so the sample answer is complete now and now i am going to share with you the follow-up questions and the first follow-up, generally speaking, do Indian parents make promises to children? Do Indian parents promise their children? And the answer is yes, they make promises to their children, but not only the Indian people. From all over the world, people make promises to their kids. Yes, the Indian people they promise their but not Indian people. Are not. पूरे लोग दुनिया में से पूरी दुनिया में से पूरे वर्ल्ड से पीपल जो है वो प्रॉमिस करते हैं अपने बच्चों को दे प्रॉमिस देर यंग वन टू वाई टॉयज स्वीट्स एंड वीडियो गेम्स वो प्रॉमिस करते हैं अपने छोटे बच्चों को uh, कि वो उनको खरीद कर देंगे टाइज स्वीट्स और वीडियो गेम्स को सो दैट दे विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर स्टडीज़ सो दैट कि वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डो चिल्ड्रेन ऑल्सो मेक प्रोमिस टू देयर पेरेंट्स क्या बच्चे जो हैं वो भी प्रोमिस करते हैं अपने पेरेंट्स को एंड द आंसर येस चिल्ड्रेन ऑल्सो मेक प्रोमिसज टू देयर पेरेंट्स बच्चे भी अपने पेरेंट्स को प्रामिस करते हैं दे यूजली मेक द प्रोमिस सच एस नॉट टेलिंग लाई अबे द एल्डर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज एंड टू अवॉइड बैड हैबिट्स वो ज़्यादातर इस तरह के प्रोमिस करते हैं कि वह झूठ नहीं बोलेंगे अबे करेंगे एल्डर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टडीज पर और अवॉइड करेंगे अपनी बैड हैबिट्स को एंड द थर्ड क्वेश्चन इज टू मोस्ट पीपल फुलफिल देयर प्रोमिस क्या ज्यादातर जो, जो लोग हैं वो अपने प्रामिस को फुलफिल करते हैं एंड द आंसर येस मोस्टली पीपल ट्राई टू फुलफिल देयर प्रोमिस ज्यादातर लोग जो है वो कोशिश करते हैं अपने प्रामिस को फुलफिल करने की बट दे वॉन्ट टू सेट Uh, because they want to set a good example in front of others. Q कि वो एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं बाकी लोगों के सामने ऑन द अदर एंड समाइम्स ड्यू टू अनबल सरकमस टांसिस पीपल कांट फुलफ़िल देयर प्रोमिस मगर कई बार क्या हो जाता है कि अन अवॉइडेबल सरकमस टांसिस कुछ हालात जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता उनकी वजह से कई बार लोग जो है वो अपने प्रोमिस को फुलफ़िल नहीं कर पाते सो दो द Uh, follow up questions are also complete now. I hope you like my video. And if you like my video, then please like, share, and subscribe.